अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं मलिक जुनेद, मलिक मशीन से। और आज की वीडियो में हम आपका और अपने आरा मशीन के फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें मोटिवेट किया, जिससे हम अपने चैनल मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका स्पेशल थैंक यू है। और आज अपने आरा मशीन के फ्रेंड्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और अगर आपको आरा मशीन के चैनल के मतलब से या किसी भी मतलब से आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं उनके पास। तो ये हमारे शराज भाई हैं। और अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जानी भाई। और आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 8-10 साल से, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अबू हैं, ये बड़े भाई हैं। जी जी, ये उस्ताद भी है मेरे, जी भाई जी भी है मेरे। जी जी, तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 8-10 साल से। अच्छा 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 अच्छा, तालीम के साथ साथ मैंने ये काम भी जारी रखा है अपने। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पुरानी लकड़ी है। हाँ, इस लकड़ी से दरवाजे भी बनते हैं। हाँ, इस लकड़ी से फर्नीचर भी बनता है। हाँ, फर्नीचर से ज्यादा लोग ये घरों के डेकोरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये काफ़ी पुरानी लकड़ी है। और मुझे तो ये तैयार की लकड़ी लग रही है। बिल्कुल, ये तैयार की लकड़ी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। हाँ हाँ, वाकई वाकई वो खुशबू काफ़ी प्यारी आ रही है ना इसकी। घर में लगा लें ये ऐसे, मतलब घर के दरवाजे वगैरह ही बनते हैं या और कुछ भी? मतलब कि मतलब दरवाजे, खिड़कियाँ। अच्छा, यहाँ बेड, कुर्सी, मेज, हर एक चीज़ बन सकती है। पर अच्छा, मतलब मजबूती है इसकी? मजबूती तो नहीं है। हाँ जी, हाँ मजबूती तो नहीं है, ऐसे दरवाजे ऐसे बन जाते हैं। इसकी खासियत क्या है, इस लकड़ी की खासियत बता दें। इस लकड़ी की खासियत ये है कि इसको कीड़ा नहीं खाती। अच्छा, इसको यानी इसको कीड़ा नहीं लगता? इसको कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता, इसकी खुशबू की वजह से इसको कीड़ा नहीं लगता। और खुशबू इसकी इतनी प्यारी है कि अगर ये घर में लगा ले तो 10 साल आपके घर में खुशबू आएगी इस लकड़ी की। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये काफ़ी पुरानी लकड़ी भी है और इसको मतलब काफ़ी पुरानी लकड़ी है ना, तो इसकी सफाई अब हो रही है तो ये और भी मतलब के निखर रही है। ये देखें, ये जी 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 जी, नया कलर इसका देखिए। जी 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 जी, दरवाजों से नट निकाल रहे हैं जिससे दरवाजे बनेंगे। अच्छा अच्छा, फिर हम आप लोगों को पहले दरवाजों से वो भी दिखा सकते हैं। अच्छा, दरवाजे किस तरह बनते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बट ऑडियंस काफ़ी प्यार करती है आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लव फॉर ऑल पीपल। तो मेरी तरफ से सबको आई लव यू टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये उनके बड़े भाई हैं जो काफ़ी अच्छे से महारत से स्किल दिखा रहे हैं, अपना काम करते हैं। यहाँ पे हम बाहर एक लकड़ी की सिलाई करते हैं, वो सामने वो लकड़ी पड़ी हुई है, उससे फर्नीचर बनता है। जी 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 जी, वो फर्नीचर में काम आते हैं, वो थोड़ी सख्त लगती है। जी जी, ये काफी टैलेंटेड बंदा है, बस किस्मत कमा रहा हुआ है। ये मेरा भाई अपना टैलेंट दिखा रहा है। जी 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 जी, ये देख लें, खुशबू इसकी बहुत प्यारी है। जी जी जी, बहुत प्यारी खुशबू है वही। आ रही है, कितनी सफाई से निकला है, बहुत ज्यादा पहले लकड़ी का किस तरह। और ये काफी पुरानी लकड़ी भी मुझे लग रही है। पुरानी लकड़ी है ये, हमारे दादा की उम्र से भी ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत पुरानी लकड़ी वही ना, इसकी मतलब हालत देख के भी लग रहा है, लेकिन सफाई से और मशीन से मतलब इसकी न्यू शेप। हाँ, अभी ये न्यू शेप निकला है, ये पुरानी घरों में होती है, पुरानी घरों में। जी जी, छत में लोग डालते थे, छत में। जी 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 जी, दरवाजों के लड़ निकाल रहे हैं। अच्छा, दरवाजों के आप लड़ निकाल रहे हैं ना। जी जी जी, खुशबू बहुत प्यारी है इसकी, इस लकड़ी की खुशबू बहुत प्यारी है। तो बहुत प्यारी है इसकी, तो इसकी खुशबू कितनी प्यारी है, और इस खुशबू से कीड़े मकोड़े इससे डरते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसको कीड़ा नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, इसलिए इसकी प्राइस भी काफी महंगी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, डियार ना। और ये इंग्लिश में पाइन ट्री के नाम से मशहूर है।
इंग्लिश में इसके पाइन ट्री वो सर्दियों में जो मतलब वो बर्फ में जो इनका पेड़ होता है ना, ये कटनी बर्फ की लाती थी। जी पाकिस्तान के जितनी बर्फी लाती है। अच्छा गरम है, अच्छा अच्छा देख लेंगे पुरानी है। जी बहुत देख रहे हैं। जी सिराज भाई, काफी लोग कहते हैं कि आप हाथ बचाया करें ब्लेड से, मुझे काफी कमेंट्स आते हैं ना। अच्छा। तो मैंने सोचा आपके साथ मतलब इस हवाले से भी बात कर लूं। जी हमारी फिटनेस के लिए इतना सोचते हैं। जी हमारे बाप दादा का कारोबार है। जी हमारा खानदान का कारोबार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपर्ट हो गए हैं। जी हमारे लिए किसी को बात नहीं होती। यही बात मैं उनको समझाने वाला, लेकिन ऑडियंस जो है ना काफी मतलब मैसेजेस और कमेंट्स भी काफी मुझे आते हैं ना। और ये तो सही मतलब रशिया और मतलब यूके वगैरह से भी काफी लोगों की कमेंट्स आते हैं कि मतलब स्टिक का इस्तेमाल कर लें या कोई ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल कर लें। प्यार करने वाले जहाँ भी हों उनको आई लव यू टू वो लोग हमसे प्यार करते हैं, इंसानियत में आते हैं, हमें एडवाइस देते हैं। जी एडवाइस देने के लिए थैंक यू। और इंशाल्लाह हम इस पे अमल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, पर इस तरह कि स्टिक का काम होता नहीं है। जी तो वो अगर छोटी लकड़ियाँ हों वो उसके लिए स्टिक इस्तेमाल होते हैं, छोटी लकड़ियों का काम कर देंगे। जी वही मैं व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लकड़ी काम नहीं करेगी, मेरा लकड़ी पकाने का कोई अंदाज नहीं है। जी तो व्यूअर्स को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लकड़ी मतलब ये मजबूत लकड़ी है, तो इसको हम स्टिक के जरिए से मतलब वैसा नहीं कर सकते जैसा मतलब के हाथ से होता है। बिल्कुल वैसा पुश नहीं होता ना स्टिक के थ्रू, ये पुश नहीं होता। इसके लिए सिर्फ दिमाग की हाजिरी होने चाहिए, दिमाग आपका हर टाइम यहाँ पे हाजिर होना चाहिए। जी यह भी हमारा काम खत्म हो गया। जी बता सके काफी न्यूली ऐसे लकड़ी को बना दिया और काफी प्यारा मतलब के शेप दे दी उन्होंने। बहुत हाँ। तो अभी उनसे बात हुई कि ये मुकम्मल जो लकड़ी है ना जो हमने अभी कटाई की है ये टोटली 15,000 रुपीज़ है। अगर इस लकड़ी के दो पीसेस अगर आपको चाहिए ना मतलब पाइन ये दियार की लकड़ी के दो पीसेस आपको चाहिए तो ये हैं कोई 6,000 मतलब 6,000 के दो पीसेस। सिर्फ ये दो पीसेस आपको 6,000 के मिल जाएंगे। तो इस लकड़ी की काफ़ी डिमांड है। तो शराज भाई ये तो काफ़ी महंगी लकड़ी है, तो लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं मतलब अपने लिए इस्तेमाल के लिए या दरवाजे वगैरह बनाने के लिए ऑर्डर आते होंगे। अच्छा ये पाकिस्तानी रुपए जी दियार की है ना। तो ये अच्छा ये एक पीस जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का पड़ता है। तो एक पीस का 3,000 रुपए मतलब के काफी महंगी लकड़ी और काफी पायदार लकड़ी है, बहुत पायदार लकड़ी। जी और इनसे फर्नीचर बनते हैं। जी ये वाली ना इनसे फर्नीचर के मतलब जो भी बेड वगैरह हो गए सोफास हो गए और टेबल्स। और ये हमारी बड़ी मशीन है। जी मशीन मैं इनको दिखा सकता हूं। जी ये बड़ी मशीन। तो एक इस पे इस तरह होता है कि जो लकड़ी हाथ में नहीं उठाई जा सकती जो मोटी होती है। जी हम ले आते हैं इस रेड़े के जरिए हम ले आते हैं। जी वो मैंने वीडियोस में डाला हुआ है, वो आप कैसे लाते हैं वो मैंने काफी दफा वीडियोस में डाला। यहां से ये इसका गियरबॉक्स है, आप यहां से दिखा दें मेरे व्यूअर्स। ये इसका गियरबॉक्स है और ये इनके गियर है। ये मतलब इनसे वो आगे पीछे और मतलब ऊपर नीचे इसको जैसे ये एक ब्लेड है नीचे
हाँ जी के साथ होता है, उसके साथ कटाई होती है और इस पे लकड़ी होती है। अच्छा अच्छा, इस पे हमने वो इसपे हम लकड़ी डालकर एक तरफ से धक्का देते हैं, दूसरी तरफ से पल्प होता है। जी 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 जी, मतलब कि हाँ ये हमारी आ रही है। जी जी हाँ, तो गाइस थैंक यू कि आप लोग हमारा ये काम देख रहे हैं, हमारा ये काम आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस तरह वॉच कीजिएगा। जो भी काम वाले बंदे हैं उनको आप लोग वॉच कीजिएगा, उनको आप लोग सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे कोई किसी नई आइटम के साथ, आप लोगों के लिए कोई नई नया आइटम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो नई आइटम के साथ। थैंक यू, लव यू फॉर ऑल, थैंक यू।